एक बार महात्मा बुद्ध के आश्रम में शिष्यों की बहुत बड़ी टोली रहती थी। उनके शिष्य गुरु के पास रहते, उनसे शिक्षा प्राप्त करते और कुछ न कुछ नया रोज सीखा करते। एक बार गुरु जी के आश्रम में एक शिष्य आता है जो कि बहुत शांत रहता है, जो कि हमेशा भगवान के नाम में मस्त रहता है। वहीं पर अन्य शिष्य उसके खिलाफ होते हैं। उनमें से एक शिष्य जो कि बहुत चतुर होता है, वह अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझता है। उसे लगता था केवल गुरु मुझे ही प्यार करते हैं और आने वाले समय में इस आश्रम का सरदार मुझे ही बनाएंगे। जब गुरु को उनकी बातों का पता लगा तब गुरु ने सोचा क्यों ना इन्हें कुछ समझाया जाए। गुरु ने कहा कि सभी शिष्यों मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो। तभी गुरुदेव कहते हैं कि तुम अपनी एक अलग टोली बनाओ और वहीं पर जो शांत शिष्य होता है उसे भी कहते हैं कि तुम अपनी एक अलग टोली बनाओ। सभी टोली में बराबर बराबर शिष्य होंगे। तुम सभी को किसी गांव में अलग अलग कोने से भिक्षा मांगनी शुरू करनी होगी और भिक्षा मांगकर तुम्हें इस आश्रम में आना होगा, क्योंकि उस समय में भिक्षा से ही आश्रम चला करता था, लोगों का भोजन हुआ करता था। वह साधु संतों को भिक्षा में कुछ खाने को देते, भोजन दे देते, जिससे उनका गुजारा होता। दोनों गुट तैयार हो गए और भिक्षा मांगने के लिए बाहर निकल जाते हैं। जो कि चतुर शिष्य होता है वह दूसरों के घर जाता है, उनसे भिक्षा मांगता है। भिक्षा मांगते हुए वह उन्हें कुछ ज्ञान की बातें बताता है, कुछ समझाना चाहता है, पर लोग यह नहीं चाहते कि कोई हमें कुछ ज्ञान दे, कुछ उदाहरण दे। वह सोचते हैं कि मैं ही सबसे ज़्यादा चतुर हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा चालाक हूँ। इस तरह चतुर शिष्य को भिक्षा बहुत कम मिलती है, उसे कोई भिक्षा नहीं देता, क्योंकि वह लोगों के दर पर जाकर उन्हें कुछ उदाहरण देता, कुछ शिक्षाएं देता, जिसे सुनकर लोगों को अच्छा नहीं लगता। उन्हें लगता यह कितना बोल रहा है, कितना छोटा है, फिर भी हमें ज्ञान दे रहा है। यह सोचकर वह उन्हें कुछ नहीं देते, जिसके बाद वह शिष्य वापस आ जाता है। वहीं दूसरी ओर जो शिष्य शांत होता है वह लोगों के दर पर जाता है, भिक्षा का आग्रह करता है और अपना कटोरा व अपना थैला उनके आगे कर देता है, जिसके बाद लोग उसकी सादगी और सरलता को देखकर प्रभावित हो जाते और उसे कुछ ना कुछ जरूर देते, जिसके बाद उसका थैला लगभग भर चुका था। इसके बाद दोनों शिष्य बीच रास्ते में आकर मिलते हैं। जो चतुर शिष्य होता है वह देखकर हैरान हो जाता है कि भला इसे इतनी भिक्षा किसने दे दी, क्यों ना अब मैं इसकी भिक्षा को हड़प लूं, किसी चतुराई का सहारा लेता हूं। उसने कहा देखो गुरुदेव ने कहा था कि हम दोनों को अपनी अपनी भिक्षा एक थैले में रख कर लेके हमें आश्रम में आनी है, तो लाओ हम दोनों अपनी अपनी भिक्षा उसी में डाल लेते हैं। इसके बाद वह राजी हो गया, उसने कुछ नहीं कहा। आश्रम में जाने के बाद गुरुदेव ने यह फैसला किया कि जिसने भी सबसे ज़्यादा भिक्षा लाई है उसी को मैं इस आश्रम का सरदार बनाऊंगा, उसे ही मुखिया बनाऊंगा, वही यहाँ का कार्यभार संभालेगा। यह सुनकर चतुर शिष्य बड़ा खुश होता है। तब वह कहता है कि गुरुदेव अगर मुझे पता होता कि आप ऐसा करेंगे तो मैं अपनी भिक्षा को सबसे अलग रखता, क्योंकि मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा भिक्षा मिली थी और इसे बहुत कम भिक्षा मिली थी। गुरुदेव तो समझ गए थे कि इसकी चाल कोई नई नहीं है, यह पुराना चालबाज है। गुरुदेव ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, पहले इसकी हम पुष्टि करेंगे। तब गुरुदेव ने दूसरे शिष्य से पूछा क्या यह सही कह रहा है। तब उसने कहा पता नहीं गुरुदेव, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए मेरे पास पुष्टि करने का कोई साधन नहीं है। अब जो ये कहेगा वह मानना पड़ेगा, पर हकीकत में
मुझे ज्यादा भिक्षा मिली थी, और इसका थैला लगभग खाली था। इसने मेरे साथ बेईमानी की और अपने थैले को मेरे थैले में मिलाकर दोनों को एक साथ कर दिया। इसके बाद गुरुदेव कहते हैं, अच्छा ये बताओ पहाड़ी के पीछे तुम्हें क्या दिख रहा है? तब चालाक लड़का बोलता है कि गुरुदेव मुझे पहाड़ी के पीछे सूर्यास्त दिख रहा है, बादल दिख रहे हैं, हरे हरे पेड़ पौधे दिख रहे हैं। यह सुनकर गुरुदेव कहते हैं, क्या तुम्हें और कुछ नहीं दिख रहा? इसके बाद वह बोला, नहीं गुरुदेव बस इतना ही तो है। इसके बाद गुरुदेव ने उस शांत रहने वाले शिष्य से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है? तब वह शिष्य उस पहाड़ी की तरफ देखते हुए कुछ ना बोल पाया, उसकी आँखों में आंसू आ गए। उसके लिए यह बहुत ही सुंदर दृश्य था, वह उसे देखता ही रह गया। गुरुदेव ने कहा, असली सच्चाई तो इसने देखी है, इसने उसके अंदर के भाव को जाना है, गहराई तक पहुंचा है। जबकि तुम बाहरी चीज़ों को, बाहरी सौंदर्य को देख रहे हो, अगर तुम्हें खुद को जानना है तो अंदर तक जाना होगा, उस चीज़ के तह तक पहुंचना होगा। तुम बोलते ज़्यादा हो, यदि तुम अपने बोलने पर काबू पा लो, कम बोलो तो तुम्हारी बातों की वैल्यू बढ़ेगी। जो लोग सबसे ज़्यादा बोलते हैं, बिना मतलब के बोलते हैं, उनकी बातों की कीमत नहीं होती, लोग उन्हें इग्नोर करते हैं, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते। वहीं जो लोग शांत रहते हैं, केवल महत्वपूर्ण विषयों पर ही अपना मुंह खोलते हैं, उनकी बातों को सुनने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। तुम भीड़ इकट्ठा करने वाले बनो, भीड़ से भागने के कारण मत बनो। गुरु ने कहा, पता है तुम्हें भिक्षा क्यों नहीं मिली? इसका कारण भी यही था कि तुम बोलते बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि ज़्यादा बोलने से बने काम भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए शांत रहना चाहिए, अपने आप पर काबू पा के रखना चाहिए, क्योंकि जो काम तुम शांत रहकर कर सकते हो, उसे तुम बोलकर या शोर मचा कर नहीं कर सकते। शांति में बैठने से हम अपने आप को जानते हैं, अपने अंदर की शक्तियों को जानते हैं, परमात्मा को पहचानते हैं। इसके बाद वह शिष्य बोला, ठीक है गुरुजी, आज के बाद मैं कम बोलूँगा। वह गुरुजी के चरणों में गिर जाता है और उनसे क्षमा मांगता है। इसके बाद वह भी कम बोलना शुरू करता है और शांत रहने लग जाता है।